आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम नमकीन दलिया बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि सारी सब्जियां वगैरह बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा हो लगता है। सबसे पहले हम एक पैन रखते हैं, तो हमने दलिया लिया है, ये एक हमने पहले से ही ये भुना हुआ है, जिससे समय बचा है, इसलिए हमने पहले ही भून लिया था। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम एक चौथाई चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा थोड़ा सा लाल हो जाएगा, हम प्याज डाल के इसमें थोड़ा सा भून लें। अब हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। आधी चम्मच हम सूखा धनिया, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच हम लाल मिर्च। ये सारे मसालों को हम भून लेते हैं। अब हम मसाले भून गए हैं, अब इसमें हम सब्जियां ऐड कर रहे हैं। टमाटर डाल दिए मैंने, एक टमाटर डाला है, थोड़ी सी मैंने हरी मटर है, एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी बीन्स है और एक गाजर ली है मैंने, थोड़ी सी फूल गोभी। मैंने ये सारी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब इसके अंदर हम थोड़े से कौन डाल देते हैं और ये हम ये भी भून लेते हैं। ये दलिया सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है, इसलिए इसको ज़रूर खाना चाहिए। जब हम ब्राउन ब्रेड वगैरह सब चीज़ खाने से उग जाते हैं, तो कभी दलिया बना लिया, कभी सेमिया बना ली, इस तरह से अदल बदल करके आदमी कुछ भी खा सकते हैं। देखिए इसमें मैंने सारी सब्जियां ही सब्जियां डाली हैं, तो सब्जियां खानी बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे तो सब्जी खा नहीं पाते बच्चे भी या हम भी, तो इस तरह से हम सब्जियां खा सकते हैं। और अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, ये भी मैं मिक्स कर दूँगी। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं। एक बाउल हमारा दलिया है, तो हम दो बाउल पानी डाल देते हैं इसके अंदर। पानी डालने के बाद इसको हम ढक देते हैं उबाल आने तक। यदि आपको अपने घर में ट्राई करें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब इसमें हम दो हरी मिर्चें कटी हुई डाल देते हैं और ये मिलाने के बाद हम दलिया भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर और इसको मिला। दलिया हमने घर में ही भून रखा था, अब इसको हम चलाने के बाद मंदी गैस कर देते हैं और ढक देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा दलिया पक चुका होगा। यह हमारा दलिया पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। लीजिए हमारा दलिया खाने के लिए तैयार है, आप भी खाइए औरों को भी खिलाइए। ये खाने में बहुत हेल्दी होता है और आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी चीज़ के साथ।